नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्तित पाठक। मध्य प्रदेश में तेल का क्या तिलस्म है, ये समझ में ही नहीं आ रहा। दरअसल देश के तमाम राज्यों के जो बड़े शहर हैं, वहां मध्य प्रदेश के किसी भी शहर की तुलना में पेट्रोल और डीजल 10 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता बिक रहा है। खास बात यह है कि राज्य में तेल के दाम इतनी खामोशी से बढ़ रहे हैं कि आम जनता को पता ही नहीं चल पा रहा कि उसकी जेब पर कितना भार बढ़ गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में नरमी है, तो फिर पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है और क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। सवाल यह भी है कि सरकार तेल की महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। प्रदेश में आखिर तेल का क्या तिलस्म है, आज इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राम भक्त हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल राम भक्त बनकर क्या सरकार को सियासी फायदा दिलाना चाहते हैं या सीएम भूपेश के रोम रोम में राम बस गए हैं। एक सवाल ये भी है कि सीएम भूपेश के राम भक्त बनने के साथ ही राम वन गमन पथ और कौशल्या माता मंदिर का निर्माण होने के बाद छत्तीसगढ़ में क्या राम राज्य आ जाएगा या फिर तस्वीर वही पुरानी रहेगी। वैसे जो भी हो, बीजेपी के लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि अब तक हिंदुत्व के जिस एजेंडे को लेकर बीजेपी चली है, अब कांग्रेस भी उसी राह पर है। लेकिन क्या बीजेपी की तरह उसे इसका बड़ा लाभ मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब के आज के मुद्दे राम भक्त भूपेश। देश की राजनीति में भगवान राम लंबे समय से केंद्र बिंदु पर रहे। जन आस्था में मानस के सबसे बड़े प्रतीक राम को राजनीतिक दल सियासी तौर पर भुनाने और आस्था से जुड़े मुद्दों को उठाने में नहीं चूके हैं। खासतौर पर बीजेपी की राजनीति में राम का नाम चिर स्थायी रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो राम का निहाल है, वहां भूपेश के राम की चर्चा खूब है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से सत्ता में आए हैं, तब से राम का नाम लेने में किसी भी मंच से नहीं चूके हैं। साथ ही वो राम नाम को लेकर बीजेपी के खिलाफ भी आक्रामक रहते हैं। दूसरी ओर विपक्ष भूपेश की राम भक्ति पर तंज कर रहा है। बीजेपी के मुताबिक देर से ही सही कांग्रेस राम की शरण में तो आ ही गई। राम भक्त भूपेश पर चर्चा का दौर शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़िया मन भगवान राम ल भाचा कहता, या दूसरा शब्द हम कहन के भाचल हमन राम के रूप में देखता। मंच से भगवान राम पर बोलते ये हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। 29 नवंबर को मुख्यमंत्री माता शबरी और भगवान राम के मिलाप वाले स्थान शिवरी नारायण के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने मठ मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ न सिर्फ भजन में हिस्सा लिया, बल्कि ढोलक और छाछ बजाते हुए बोलो श्री राम जय राम का अलाप भी दिया। सीएम भूपेश बघेल धर्म और संस्कृति से जुड़े जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं, छत्तीसगढ़ से भगवान राम का रिश्ता क्या रहा है ये जरूर बताते हैं। इसके साथ ही भाजपाइयों पर निशाना साधते हुए ये भी कहते हैं कि राम किसी के लिए राजनीतिक का प्रतीक है, लेकिन उनके लिए राम संस्कृति के प्रतीक हैं। राम का नाम उनके यहाँ की परंपराओं में समाहित है। सीएम भूपेश के मुताबिक ये प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि राम ने वनवास काल के सर्वाधिक वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के साथ हर उस स्थान को विकसित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है जहां से श्री राम गुजरे हैं। दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार की राम भक्ति पर तंज कसा है। बीजेपी के मुताबिक देर से ही सही कांग्रेस राम की शरण में तो आई। राम राज आना चाहिए, तो राम राज कैसे, ये में सब में समानता हो, कोनों में भय मत हो। भगवान राम युद्धक राम के नहीं,
बल्कि करुणामय राम के, कि बिना भगवान राम के मुक्ति कहीं नहीं है, इसलिए उनके शरण में आना ही पड़ेगा। चलो देर से आए लेकिन उनके शरण में सभी को आना ही पड़ेगा। बहरहाल पक्ष और विपक्ष से परे, अगर वाकई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी के स्वराज के संग रामराज को ला पाने में सफल होते हैं तो ये पुरखों के सपनों को साकार करने जैसा होगा, गर्वो नवा छत्तीसगढ़ के नारे को साकार करने जैसा होगा, जिसमें समता, एकता, आपसी भाईचारे के साथ समाज के हर तबके का विकास हो, जिसमें असल ग्राम स्वराज हो, जिसमें गांधी का स्वराज हो। जांजगीर से रवि गोयल के साथ रायपुर से वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट। तो राम भक्त भूपेश आज के इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ राज को से जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है अजय साहू जी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ उमेश भोर मोड़े जी हैं, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी और कृपया अग्निहोत्री जी हैं, आप दोनों का भी स्वागत है। पहले एक सवाल बीजेपी से ही कर लेते हैं। उमेश जी, जो काम आपकी 15 साल सरकार ने नहीं किया, हालांकि माना जाता है कि काफी राइट राम जी पे आपकी पार्टी का और आपका है, वो भूपेश जी कर रहे हैं। राम वनगमन पथ की बात हो या कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार हो, ये सारा काम भूपेश जी कर रहे हैं, जिसके नाम पर आप लोग हमेशा नारा लगाते रहे, आपने नहीं किया। देखिये, मुझको लगता है कि जिस प्रकार से आपने कॉपीराइट वाला विषय लिया, मैं समझता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का भी यह मानना है कि किसी भी ईश्वर के ऊपर, किसी भी भगवान के ऊपर, भगवान प्रभु राम के ऊपर, किसी भी व्यक्ति विशेष का, किसी भी राजनीतिक दल विशेष का कहीं कोई कॉपीराइट नहीं है। भगवान प्रभु राम पूरे विश्व के हैं, एक एक जनमानस के हैं। और रह गई बात जिस प्रकार से आज कांग्रेस के मित्र भगवान प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इतिहास गवाह है, आपको एक ना एक दिन प्रभु के शरण में जाना ही पड़ता है। और जब से आपका यह डिबेट प्रारंभ हुआ है, मैं यहां बैठा हूं और तमाम घटनाक्रम को मैं सुन रहा था, मुझको रामायण का एक घटनाक्रम याद आ रहा है, जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और रास्ते में एक कालनेमी नामक राक्षस अपना भेष बदल करके राम राम की माला जपने का काम करता है और भगवान हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करता है। तो निश्चित तौर पे रामायण से लेकर के आज तक के हम सभी के भक्ति का जो इतिहास रहा है, निश्चित तौर पे रोचक रहा है। और कांग्रेस के मित्र यदि आज राम राम जप रहे हैं तो सीधे तौर पे मैं कहूंगा कि यह प्रभु श्री राम की महिमा है, कि जो लोग राम डज नॉट एग्जिट कहा करते थे, जो लोग राम, भगवान प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए करते थे, जो लोग न्यायालय के अंदर में शपथ पत्र देकर के उसे काल्पनिक बताया करते थे, उनको भगवान ने सतबुद्धि दी है। देर सही सही उनकी सतबुद्धि जागी और वो आज राम राम का नाम जप रहे हैं। तो मैं उनको साधुवाद देता हूं और प्रभु श्री राम को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे लोगों को उन्होंने सतबुद्धि दी। उमेश जी चलिए राम नाम जपने लगे वो भी, तो जिस तरह से आपका बेड़ा पार राम नाम से जपने किया है, उसी तरह उनका भी बेड़ा पार आप हो जाएगा। या फिर जहां तक मुझे थोड़ा बहुत स्मरण आ रहा है, आपने कहा कि एक काल नाम के राक्षस ने हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, उस काल नाम के राक्षस का हनुमान जी ने क्या किया ये आपको भी मालूम होगा, शायद वध कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ ऐसा करने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आज के इस युग के अंदर में निश्चित तौर पे हम सभी भगवान की शरण में, हम भी भगवान की शरण में, प्रभु श्री राम की शरण में और अभी कांग्रेस के तमाम मित्र भी शरण में हैं और सभी को प्रभु का समान रूप से आशीर्वाद मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ईमानदारी के साथ में, नेतृत्व क्षमता के साथ में, पूरी कर्मठता के साथ में, जनता के हित में प्रभु हमारा सवाल कुछ और ही था। अच्छा है, राम नाम के प्रसंग पर अगर बात बढ़ती है तो हमें भी सुनने में अच्छा लगा, शायद अजय जी को भी अच्छा लगा होगा, बाबूलाल जी को भी अच्छा लगा होगा। हमारा सवाल आपसे कुछ और ही था, हमने ये कहा कि ठीक है आप राम नाम का स्मरण लंबे समय से करते आ रहे हैं, उसे ये राम के नाम का राजनीति में अवतरण तब हुआ था 88-89 के आसपास हुआ था, जब उन्होंने राजीव जी ने पट खुलवा दिया था, तब राम नाम
को लेकर कुछ ज्यादा ही राजनीति आई थी और खासकर बीजेपी में। हमने ये कहा 15 साल तक आपने राम वन गमन पथ की सुध नहीं ली, कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार आज उनने कराया, आपके समय कुछ नहीं हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि आप तो राम नाम का जब लंबे समय से कह रहे थे तो आपने 15 साल याद क्यों नहीं किया उनको, उनका वनगमन पथ क्यों नहीं आपने बनवाने का प्रयास किया? देखिए निश्चित तौर पे भगवान के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे राजनीति करने का जो लंबा इतिहास रहा है, जैसा कि आपने भी याद दिलाया, वह कांग्रेस का रहा है। और एक नियत के साथ यदि आप राम वनगमन पद बना रहे हैं उसमें भाजपा का और हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राम गमन पद बनना चाहिए, निश्चित तौर पर बनना चाहिए, लेकिन उसका रोड मैप क्या होगा या फिर वह अन्य योजनाओं की तरह ही धरातल पर उतरने के बगैर केवल और केवल राजनीति का विषय बनकर के रह जाएगा। रह गई बात हमारे 15 वर्षों के विषय को लेकर के, तो लगातार बीते 15 वर्षों में आपके साथ ही साथ पूरी प्रदेश की जनता इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि 2003 के अंदर में हमारी सरकार आई और एक नया छत्तीसगढ़, एक बाल छत्तीसगढ़ जिसमें विकास और विस्तार की अपार संभावनाएं थी, उसको लेकर के लगातार तमाम क्षेत्रों के अंदर में विकास को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ अगर आप राम वनगमन पथ की अगर आप बात करें तो यह तमाम जो विषय अभी निकल करके आ रहे हैं वो हमारी सरकार के समय ही उसको लेकर के, चाहे प्रोजेक्ट की बात करें या उसको लेकर के आगे बढ़ने की बात करें, चहुमुखी विकास की दिशा में हमने क्या किया, क्या किया राम वनगमन पद के लिए, क्या किया आप, राम आप यही कहेंगे ना कि हम प्राथमिकता में किया क्या राम वनगमन पद आगे बढ़ रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पे जी किया क्या राम वनगमन, आप आगे बढ़ रहे थे 15 साल तक आगे ही बढ़ते रहे या 15 साल तक सिर्फ उसके बारे में शोध करते रहे? देखिए निश्चित तौर पे इस प्रकार के विषय आएंगे, शोध से लेकर के धरातल पे पूरी तैयारी के विषय के साथ साथ, और मैंने आपको पहले ही कहा कि अन्य जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर थी, नया राज्य था, इस प्रदेश के अंदर में भय भूख और आतंक का वातावरण था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की चुनौती थी, शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की चुनौती थी, तमाम चुनौती के साथ साथ जिस काम को हमने आगे बढ़ाने का काम किया था उसी पथ के ऊपर आज यह सरकार कार्य करने का काम कर रही है, तो अच्छी बात है, हम इस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं दर्ज करा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे कार्यों के ऊपर अगर ये सवाल उठाएंगे कि हमने राम वनगमन पथ के लिए क्या किया, तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि लगभग 1.5 वर्षों के अंदर में आपने इस राम वनगमन पथ का रिसर्च भी कर लिया, रोड मैप भी तैयार कर लिया, तमाम तरह की चीजें आप लेके आ गए, तो मैं आपको बता दूं पूरी गंभीरता के साथ कि राम वनगमन पथ के रिसर्च से लेकर के धरातल पे उतारने से लेकर के तमाम चीजों को करने में मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि हमारी सरकार का बीते 15 वर्षों के अंदर में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने इसको रोड मैप को तैयार करने का काम किया और उसी रोड मैप के ऊपर यह कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो मैं तो इनको बधाई दूंगा कि भाजपा के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए प्रभु श्री राम आज कांग्रेस को याद आ रहे हैं, यह बधाई के पात्र हैं। चलिए बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अजय जी हमारे साथ। अजय जी खैर जो आरोप आप लोग लगाते रहे हैं अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप लोग आरोप लगाते रहे कि राम के नाम की राजनीति करते हैं भाजपा वाले, और जय जय श्री राम के यहां तक कि जय जय श्री राम के जो नारे गूंजा करते थे कभी कभी विधानसभा में भी, तो उस पर भी आरोप लगता था कि यहां धार्मिक मुद्दा उछाला जा रहा। देर आए दुरुस्त आए, क्या आप हिंदुत्व की राह पे चल रहे हैं भूपेश जी? अगला 2023 का लक्ष्य उनका हिंदुत्व की राह पे है, हिंदू धर्म के नाम पे वोट जीतने, मतलब विकास के नाम पे नहीं, हिंदू धर्म के नाम पे सरकार बनाने की चेष्टा की जा रही है। देखिए त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है जी कि कालनेमी कौन है, किस में भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को लेकर के राजनीति करने का काम किया, उनके नाम का उपयोग करने का काम किया जी। हमने प्रभु राम के नाम पर राजनीति कभी नहीं की, हम जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं या फिर जो समय प्रभु राम ने छत्तीसगढ़ में बिताया है, हमारे भाषा है प्रभु राम, तो उनकी जो स्मृतियां छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, हम उन स्मृतियों को, उस धरोहर को संजोने का काम कर रहे हैं, हम इसमें राजनीति कतई नहीं कर रहे हैं। अगर इनकी मंशा होती तो ये लोग उस दिशा में आगे बढ़ते। आज जिस तरीके से कालनेमी ने राम का नाम जपने का जो ढोंग किया था वो छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है, और आज उमेश जी जो बात कह रहे हैं हमारे काम का, हमारे नाम का श्रेय लेने का जो काम कर रहे हैं,
15 वर्षों में इन्होंने कभी राम के नाम पर आगे बढ़ने की दिशा में काम नहीं किया। इन्होंने राम के कौन से स्वरूप को दिखाया? प्रभु राम का स्वरूप जो इन्होंने जनता को दिखाया, जो इन्होंने देश को दिखाया, वो रौद्र रूप था। वो पूरे रामायण में मैं समझता हूँ प्रभु राम का जो रूप था वो एक बार आया था, जब उन्होंने जो समुद्र को सुखाने के लिए उन्होंने जब प्रचंडा तानी थी उस समय ये रूप आया था। उसके अलावा पूरे रामायण में आप देख लीजिए, राम तो सरल है, राम तो सौम्य है, राम तो सहज है, वो राम सबके हैं, भूपेश के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं। ये तो वो भी कह रहे हैं, ये तो वो भी कह रहे हैं, इस तरीके से उपयोग करती है। कालनेमी कौन है? कालनेमी कौन है ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। हम हिंदुत्व के नाम पर राजनीति काम करने का काम नहीं करते। अगर मेरा धर्म हिंदू है, उन्होंने तो आस्था का विषय है त्रिपाठी जी, राजनीति करने का विषय नहीं है। प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से कालनेमी कौन है ये आपकी तरफ इशारा कर दिया उन्होंने, कालनेमी कौन था ये इशारा कर दिया है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है कि कालनेमी कौन है, कौन राम के नाम का जप करने का दिखावा करता था। हम तो राम के दिशा, राम के बताए, प्रभु राम के बताए मार्ग पर चलने का काम कर रहे हैं। हम तो उनके द्वारा जो उनकी जो स्मृतियां हैं उसको धरोहर को संजोने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो जान सके कि प्रभु राम कौन थे, प्रभु राम इन रस्तों से गए थे। वो तो आज भी स्नेह ले रहे हैं, जाकर देखें प्रभु राम की अभी भी स्नेह ले रहे हैं अपना समय बिताए थे। अजय जी अमोहेश जी अभी भी श्रेय इस बात का ले रहे हैं कि उसमें शोध उन्होंने किया, रोड मैप उन्होंने तैयार किया। एक तरह से कहना चाहिए कि नींव उन्होंने रखी है, आपने अब बनाना शुरू कर दिया है। और सबसे किसी भी चीज को बनाने में उसकी नींव, उसका फाउंडेशन ही महत्वपूर्ण होता है। त्रिपाठी जी, नीयत महत्वपूर्ण होती है कि आपकी नीयत कैसी है। ये कहते हैं इनसे, इन्होंने 15 वर्षों में केवल रिसर्च किया, हमने पौने दो साल में किसानों को समृद्ध करने का काम किया, 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने का काम किया, छत्तीसगढ़ के लोगों को 400 यूनिट तक की बिजली का बिल जो था वो आधा कर दिया। ये इसे कहते हैं काम करने की इच्छा शक्ति। कालनेमी कोई भी बन सकता है, जो बहुरूपिया कोई भी बन सकता है, रूप कोई भी धर सकता है, लेकिन जो काम करने वाला होता है वो उसका प्रचार नहीं करता, वो अपने मार्ग पर आगे चलते जाता है। और आज भूपेश बघेल जी उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में रामराज आएगा, छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा। हमारे पौने दो साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का नाम पूरे विश्व के पटल में, हम पूरे विश्व में अकेले हैं जो गौ माता के से उत्पन्न होने वाले गोबर तक को सरकार खरीद रही है, ताकि पशुपालकों की जेब में पैसा जाए, गौ माता की सेवा हो सके, गौ माता संरक्षित रहे। ये तो जब जहां इनका जहां चुनाव होता है गौ माता इनके लिए मम्मी हो जाती है, और जब चुनाव चले जाते हैं तो वही गौ माता इनके लिए यम्मी हो जाती है। ये इनका दोहरा चरित्र है, ये कालनेमी बार बार ये कहते हैं, ये अपना चरित्र उजागर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें देखा है 15 वर्षों तक, और जब इनका पाप का जो घड़ा था वो जब फूट गया तब जनादेश हमको मिला है। आप देखिएगा भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रामराज आकर रहेगा। जी जी, बाबूलाल जी हैं हमारे साथ। बाबूलाल जी, निश्चित तौर पे हनुमान जी गए, पहाड़ उठा के लाए, जड़ी बूटी लाए, संजीवनी दे दिया, लक्ष्मण जी वापस, उनको अभयदान मिल गया, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। हम ये सवाल करना चाह रहे हैं कि इस राम वन गमन पथ, कौशल्या माता का जीर्णोद्धार अच्छी बात है, आस्था से सब लोग जुड़े हैं, लेकिन क्या आपको लगता है भूपेश जी को जनता संजीवनी देगी, या फिर चलो राम राज जा जाएगा तो जनता को जो महंगाई के मार से झेल रही है, हर तरह से परेशान है, तो उसको कोई संजीवनी मिलेगी? देखिए, संजीवनी से आपका इशारा अगर वोट की तरफ है तो सब प्रयास वही है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो अभी चल रही है जी। ये सच है कि डॉक्टर रमन सिंह के समय, दूसरे कार्यकाल के समय, कुछ लोगों ने एक रामगमन पथ के ऊपर में शोध पत्र उनको दिया था, और उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ काम होना चाहिए, और रमन सिंह ने सहमति व्यक्त की थी, सकारात्मक विचार रखे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि उसमें बहुत ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए। 8 साल 9 साल का समय बीता उस दौर, उस घटना के बाद, लेकिन उन्होंने सिर्फ बातें की और कुछ कर नहीं पाए। उसको इन्होंने पकड़ लिया है भूपेश बघेल ने, और निश्चित रूप से राम जो इस वक्त जो राजनीति का एक केंद्र बिंदु बने हुए पूरे देश में, उसको इन्होंने पकड़ के ये हमारी भांजे, माने हमारे रामचंद्र जी हमारे भांजे हैं,
और कौशल्या माता की ये नगरी है, ये ननिहाल है राम का, और ये प्रमाण है इस बात का कि छत्तीसगढ़ के जो लोग होते हैं ग्रामीण अंचल के लोग, वो अपने भांजे का पैर छूते हैं, इसी नाम से छूते हैं कि राम हमारे भांजे हैं, इसलिए हम भांजे का पैर छूएंगे, पूजनीय है जी। और जहाँ ये भांजे का पैर छूना अकेले छत्तीसगढ़ नहीं है, ये मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, भांजे के पैर छूते हैं। यहाँ के जो शोध पत्र है उसमें जो कहा गया है कि सीतामढ़ी हरचौका से जो है, जो बॉर्डर पे लगता है छत्तीसगढ़ के ऊपर की तरफ, अंबिकापुर ऊपर की तरफ में, वहां से राम का प्रवेश हुआ था। और देवगढ़, विश्रामपुर, वशिष्ठ आश्रम वहां पर है, रामगढ़ है, महेशपुर है, किलकिला है, यहाँ पर कुछ प्रमाण है उनके कि वो वहां से गुजरे थे। लक्ष्मण पादुका एक नाम है, राम झरना जगह है, सुबरी नारायण में यहाँ पर सबरी धन नारायण ऐसा, मतलब ये कहावत में आया, वो शोध किया उन्होंने। और दंडकारण्य जो है आज भी दंडकारण्य कहा जाता है बस्तर का क्षेत्र, इसलिए जो है वो प्रमाणिक रूप से इनके सामने रखा था डॉक्टर अमर के सामने उन्होंने। और एक बड़ी बात है कि कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर में है। जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो पुष्कर में है, वैसे कौशल्या माता का मंदिर जो है चंदखुरी गांव है वहां पर है, जो सात तालाब से घिरा हुआ एक द्वीप के समान लगता है। तो सुसेन वैद्य जो रावण के वैद्य थे, इन्होंने लक्ष्मण को जिंदा किया था, जड़ी बूटी बुलवाने के लिए बताया था हनुमान को, उनकी समाधि यहाँ पर मौजूद है। ये प्रमाण उन लोगों ने दिया था शोध करने वालों ने। ये सारी बातों को देख करके जो है, जहां तक आपने भूपेश के प्रश्न राम भक्त का लगाया, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि भूपेश बघेल का परिवार राम भक्त तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जय श्री राम का जो नारा है वो राजनीति से प्रेरित माना गया। जब भी कभी आप जय श्री राम कहेंगे तो लोगों को भाजपा की याद आएगी। इसलिए जो है ये राजनीति का सूत्र जब से राम के साथ जुड़ा है, तब से ये राजनीति दोनों पक्ष अपने अपने कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन हमारे सब उत्तर नहीं आ पाया इस बात का। बाबूलाल जी आप लगता है उसको थोड़ा सा जानबूझ के एक तरफ कर दिया, क्या संजीवनी मिलेगी? हमें तो लग रहा है जिस तरह से जब राम मंदिर निर्माण की बात आई है पूरा श्रेय बीजेपी ले रही है, कोर्ट ने निर्णय दिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, अलग विषय है, लेकिन उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अपनी शैली बदली है, खासकर छत्तीसगढ़ में भूपेश जी ने, तो इसका कुछ असर पड़ेगा? मैंने कहा ना कि संजीवनी के लिए प्रयास किया जा रहा है, अब प्रभाव लोगों पर क्या पड़ेगा, क्या राम को भाजपा के खेमे में मानेंगे लोग राम भक्तों को, या इनके ये कोशिश करेंगे कि हम इस मुद्दे को भी समाप्त करके जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ में ये भी जुड़ जाए कि हम राम भक्त भी हैं और राम की सेवा भी कर रहे हैं। ये संजीवनी प्राप्त करने का प्रयास है, मैंने पहले ही लाइन में कह दिया था, कोशिश है, मिलेगी संजीवनी की नहीं मिलेगी ये तो भविष्य के ऊपर है। अब ये देखिए कौशल्या माता मंदिर का निर्माण ये बहुत तेजी से करने इसमें है, अभी सबरी नारायण में इन्होंने जो मूर्ति स्थापित की और जो राम वन गमन पथ के ऊपर में काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो है लग रहा है कि ये उस मुद्दे को अपने पाले में लाने का प्रयास जो है इस माध्यम से करेंगे, ताकि जो राम भक्त लोग हैं ग्रामीण वो इस बात को स्वीकार करें कि भूपेश बघेल ने जो है, डॉक्टर रमन ने जो नहीं किया, अब भूपेश बघेल उस काम को पूरा कर रहे हैं, रामचंद्र के प्रति जो है उनकी श्रद्धा अटूट है, ये साबित करने का प्रयास, संजीवनी प्राप्त करने का प्रयास भूपेश बघेल कर रहे हैं। जी 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 उमेश जी, अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर आप लोगों को परेशानी जाएगी आगे भी। देखिए कहीं कोई परेशानी और कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि संजीवनी प्राप्त करने के लिए जिस षड्यंत्रकारी नियत के तहत ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैं पूरे यकीन ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनको संजीवनी की प्राप्ति नहीं होने वाली। षड्यंत्र कैसे कह सकते हैं? देखिए षड्यंत्र कैसे कह सकते हैं आप इसको, ये षड्यंत्र कहा, कोई राम भक्त हो गया, राम की पूजा कर रहे हैं आप लोगों ने, ये तो व्यक्तिगत विषय है, और सरकार अगर उसमें राम गमन पर बनवा रही है, उसको बृहद करवा रही है, तो इसमें षड्यंत्र कहाँ से हो गया? आपको कहाँ से षड्यंत्र की बू आ गई?
मैं उसी उसी पे आ रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए निश्चित तौर पे जिस दिशा में ये अग्रसर हो रहे हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बधाई के पात्र है, स्वागत के पात्र है, मैं पहले भी कह दिया। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बीते 15 वर्षों में किया, उसके रोडमैप से लेकर के उसको धरातल में लाने तक के विषय को किया, अगर उसको नकार करके आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप षड्यंत्रकारी तरीके से राजनीतिक लाभ लेने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। और यदि प्रभु श्री झूठ बोलेंगे तो वो षड्यंत्र से कम नहीं है। देखिए ये जनता भी सुन रही है, 8-10 साल आप सिर्फ रोड मैप बनाते रहे, शोध करते रहे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमको इस प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया 2003 के अंदर, उसके बाद लगातार इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 15 वर्षों तक हम रहे, जनता का आशीर्वाद मिला, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इन 15 वर्षों के अंदर में हमारे पास तमाम तरह की जिम्मेदारियां रही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने से लेकर के शिक्षा को बेहतर करने से लेकर के प्रदेश के चहुंमुखी विकास से लेकर के तमाम दायित्व हमारे कंधे पर रहा, किसानों की खुशहाली से लेकर के कर्मचारियों की खुशहाली से लेकर के छात्रों के उज्जवल भविष्य लेकर तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ साथ नए जिलों का निर्माण करके इस प्रदेश के चहुंमुखी विकास के साथ साथ अगर हम राम वन गमन पथ की दिशा में सोचते हैं, उसके रोड मैप की हम तैयारी करते हैं, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, मतलब आप कांग्रेस से आरोप ये है, या फिर हम सूर्य नारायण की बात आपका आरोप ये है, पर्यटन स्थल पर डेवलप करने का काम हम करते हैं, यह सब उसी का एक पार्ट रहा है। उमेश जी आपका आरोप ये है कि आप चहुंमुखी विकास करते हुए आप राम वनगमन पथ के बारे में सोच रहे थे, ये सिर्फ राम वनगमन पथ और कौशल्या माता का मंदिर बनवा रहे हैं, बाकी विकास के नाम पे जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, आपका ये कहना है विकास नहीं कर रहे ये? निश्चित तौर पे, और साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं त्रिपाठी जी, मैं समझता हूं कि वह महत्वपूर्ण बात है। लगातार लगभग 2 वर्षों के अंदर में सरकार और इस सरकार में बैठे तमाम लोगों की तरफ से यह बात निकल करके आती कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, हम राम राज्य लाएंगे। मैं समझता हूं कि पहले इनको अपने सरकार के अंदर और अपने दल के अंदर राम राज्य की स्थापना करने की आवश्यकता है, क्योंकि बीते दिनों के अगर घटनाक्रम की हम बात कर ले सिवनी नारायण के अंदर में किस प्रकार से एक मंत्री के उपेक्षा की खबर निकल करके सामने आती है, कहा गया इनका भाईचारा, कहा गया इनका राज, कहा गया इनका आपसी प्रेम, कुल मिलाकर के आपसी विरोधाभास में ये और इनका पूरा मंत्रिमंडल घिरा हुआ है। तो ऐसी सरकार से हम और इस प्रदेश की जनता किस प्रकार से अपेक्षा करेगी कि यह भविष्य में राम राज की स्थापना करेंगे? समय कम है, कह रहे थे अभी समय कम है, कह रहे थे उपेक्षा की बात तौर पे कहूंगा कि प्रभु श्री राम को राजनीति के तौर पे जी, अब उम्मीद उपेक्षा समय कम है, नहीं तो अगर इस्तेमाल करने का क्या काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। उसका एक उदाहरण देके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 2019 के चुनाव के पूर्व कांग्रेस के ही नेता न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर का जो फैसला है 2019 के चुनाव तक टाल दिया जाए। ये प्रभु श्री राम के विषय को राजनीति का विषय बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया है कि भाई चुनाव तक आप टाल दो, चुनाव तक प्रभु राम का नाम मत लो, और यहाँ आकर कहते हैं कि राजनीति का विषय नहीं है। तो यह दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र, दोहरा चाल चरित्र और चेहरा आज इनका उदाहरण। यात्रा आपने निकाली थी, खैर जाने दीजिए उनको। अजय जी ये सीधे सीधे बहुत संक्षेप में उत्तर जानना चाहेंगे कि इनका कहना है कि चहुंमुखी विकास की ओर थे, अलग राज्य मिला था छत्तीसगढ़, तो ये अलग अलग जिलों का विकास की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, इसलिए उनको शोध माने ये राम वनगमन पथ के निर्माण का समय नहीं मिला, उन्होंने शोध किया। और आप लोग बाकी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ राम नाम का नाम ले रहे हैं इस समय, और उसी नाम पे आप संजीवनी लेना चाह रहे हैं जनता से। देखिए त्रिपाठी जी, हमने किसी भी चुनाव में प्रभु राम के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं किया, हमने किसी भी चुनाव में प्रभु राम के नाम का इस्तेमाल करने का काम नहीं किया। हमने चुनाव में कहा हम जो वादा कर रहे हैं वो वादा हम पूरा करेंगे, हमने वादे पूरे किए। इन्होंने चिटफंड कंपनियों का जाल फैलाया था, हमने लोगों के निवेशकों के पैसे लौटाने का काम किया। इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को जमीन दी थी बस्तर में, आदिवासियों की जमीन ले ली थी जबरदस्ती, हमने हमारी सरकार आने के बाद हमने आदिवासियों को उनकी जमीन लौटाने का काम किया, वन अधिकार पट्टा देने का काम किया, बिजली बिल हाफ करने का काम किया,
देश में हम सबसे अधिक समर्थन मूल्य में धान खरीदने वाले राज्य बन गए और ये केवल रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे प्रभु राम के नाम के साथ तो षड्यंत्र आपने किया है, आपने राजनीति करने का काम किया है, आपने प्रदेश का क्या विकास किया है ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और आप केंद्र में क्या कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, आपने वहां पर जब प्रभु राम जी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते हुए पत्नी के बिना व्यक्ति शिलान्यास में बैठ जाता है, जजमान बन जाता है, जजमान बन जाता है। प्रभु राम ने स्वयं मूर्ति बनवाई थी, सीता माता की मूर्ति बनाई थी, मेरी आस्था को ठेस पहुंचाती है। भारतीय जनता पार्टी हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को, हमारी समय हमारा समाप्त हो गया है। अग्निहोत्री जी आपकी बहुत संक्षिप्त पड़ी। मुझे लगता है कि भगवान राम जो है वो व्यक्तिगत आस्था के प्रतीक है और भूपेश बघेल जी हो या कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हों, ईश्वर का नाम लेना या मंदिर जाना ये अपने अपनी व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक है। लेकिन पिछले कुछ लंबे समय से जो चल रहा है भगवान श्री राम का नाम लेकर के जो राजनीति जो की जा रही है उसका शायद कुछ आप जैसा कह रहे थे कि जो संजीवनी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है तो वो तो सीधे ही नजर आता है कि कांग्रेस को चाहिए कि इस नाम से जो है उनका भी कुछ भला हो जाए और देखते हैं आने वाले समय में उनको कितना लाभ इस बात का मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका, अजय जी आपका, बाबूलाल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो राम ये वो नाम है जिस पर लंबे समय से राजनीति होती आ रही है, हालांकि जब से कांग्रेस ने भी राम की भक्ति करना शुरू किया है खासकर छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल बड़े राम भक्त बनकर सबके सामने आए हैं तब से ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी से उसका हिंदुत्व का एजेंडा छिनने वाला है, इसीलिए प्रदेश में वो कमजोर हो रही है। बहरहाल इन सबके बीच अब देखना यह है कि अगर सीएम भूपेश की राम भक्ति सरकार को सियासी फायदा दिलाने वाली नहीं है तो क्या वो वक्त आने वाला है जब छत्तीसगढ़ में राम राज्य जाएगा, यह तस्वीर वही पुरानी रहेगी।